नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम गोविंद गिरी के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रारंभ हुए भगत आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो भीलों के सामाजिक आर्थिक नैतिक उत्थान के लिए चलाया गया था और जिसे दक्षिणी राजस्थान तथा दक्षिणी राजस्थान से संलग्न गुजरात और मध्य भारत की भील बहुल देशी रियासतों के शासकों के द्वारा भारत की ब्रिटिश सरकार के सहयोग से दबा दिया गया था। भील कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ में पुनः उठ खड़े हुए और इस समय उनके नेता थे मोतीलाल तेजावत। ये जो आंदोलन चलाया गया इसे एकी आंदोलन कहा गया, भोमट भील आंदोलन भी इसे कहा गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के जिस क्षेत्र में भील निवास करते थे उसे भोमट कहा जाता था। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ में राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन भी चल रहे थे, जैसा कि हमने बिजोलिया और बरड़ का किसान आंदोलन का अध्ययन किया है। तो दक्षिणी राजस्थान के इस भील आंदोलन का अध्ययन करते समय हमें इन किसान आंदोलनों के साथ भी उसका तादात्म्य स्थापित करना होगा, क्योंकि इन किसान आंदोलनों ने भील क्षेत्र में भीलों को इस आंदोलन को चलाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मोतीलाल तेजावत न केवल बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित थे, वरन गांधी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रभावित थे। इस तरह भील आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन तो था ही, इसके अलावा उसके व्यापक निहितार्थ भी थे। दक्षिणी राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही रियासतों में खास तौर से यह आंदोलन भील और गिरासिया जनजातियों के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, भील समाज की मुख्य धारा से विलग तुलनात्मक रूप से पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति होते हैं, जो कृषि पर कम और वन्य उत्पादों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। ये अपने गांव जिन्हें पाल कहा जाता है के नेता, जिन्हें गमेती कहा जाता है, के नेतृत्व में अपने लगभग स्वायत्त शासन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। राज्य के द्वारा इन्हें इनके जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जब तक कि ये शांतिपूर्ण जीवन यापन करते रहें। ब्रिटिश सत्ता के स्थापना के पश्चात भील क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो गए। पहला, भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भील लोगों की ही सेना मेवाड़ भील कोर्प्स का गठन किया, जिससे भील दो भागों में विभाजित हो गए। एक वो जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्त थे, दूसरे जो विरोध करने वाले थे। भील क्षेत्र की जनसंख्या निरक्षर तथा
अंधविश्वास प्रधान होने के कारण धर्म परिवर्तन के लिए अधिक उपयुक्त क्षेत्र समझी गई। इसलिए ईसाई मिशनरियों का भी यहाँ पर काफी दखलंदाजी थी। ये भील क्षेत्र या भील जातियां 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पुनः आंदोलन करने के लिए उतारू हो गई। उसके कारण लगभग वैसे ही थे जैसे कि किसान आंदोलनों के थे, जैसे कि भूकर की अधिकता, लाग बागों की अधिकता, बेगार करवाया जाना। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों तथा ठिकाने के अधिकारियों के द्वारा इनके साथ उचित व्यवहार न किया जाना। इसके अतिरिक्त मेवाड़ की ही रियासतों में, बिजोलिया में, बेंगू में, पारसोली में जो किसान आंदोलन चल रहे थे, उसके कारण भील भी अपनी मांगों को महाराणा के समक्ष रखने के लिए प्रेरित हुए। और इस आंदोलन में मोतीलाल तेजावत ने उनका नेतृत्व किया। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के फलासिया आदिवासी क्षेत्र में कोलियारी नामक गांव में एक ओसवाल परिवार में पैदा हुए थे। 5वीं तक शिक्षित होने के कारण उन्हें झाड़ोल ठिकाने में कामदार की नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी करते हुए उन्होंने ठिकानेदार के अमानवीय व्यवहार को देखा, जिसके कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी से त्यागपत्र देने के बावजूद भी ठिकानेदार का दुर्भाव इनके लिए समाप्त नहीं हुआ। इसलिए जब भीलों ने अपने मेमोरेंडम, अपने ज्ञापन महाराणा को देने प्रारंभ किए, तब मोतीलाल तेजावत भी भील आंदोलन के साथ जुड़ गए। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने भीलों के मध्य काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। 1917 में भीलों ने सर्वप्रथम महाराणा को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने भू राजस्व, लाग बाग और बेगार से संबंधित अपनी समस्याओं को रखा। महाराणा ने कुछ मांगे तो मानी, लेकिन बेगार पर कोई निर्णय नहीं दिया, यानी बेगार के उन्मूलन के संबंध में महाराणा मौन रहे। फलस्वरूप 1921 में भीलों ने पुनः महाराणा को मेमोरेंडम दिया, लेकिन इस समय भी समाधान नहीं प्राप्त कर सके। इसी समय मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने भीलों से शपथ दिलवाई कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, वे ना तो लगान देंगे और ना ही बेगार करेंगे। भीलों ने इकट्ठे होकर एकतापूर्ण तरीके से राज्य को लगान और बेगार ना देने की शपथ ली, इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। शपथ को तोड़ने वाले भीलों का बहिष्कार किया जाना था। आंदोलन चलने लगा, जिसके फलस्वरूप डूंगरपुर के महाराणा ने यह सोचकर कि यह उनके क्षेत्र में फैल जाए और उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करे, अपने क्षेत्र के भीलों को कुछ सहूलियतें प्रदान कर दी, लाग बाग से संबंधित, और बेगार को समाप्त कर दिया। इससे मेवाड़ क्षेत्र के भील और अधिक प्रेरित हुए। फलस्वरूप मेवाड़ के महाराणा को भी किसानों को कुछ रियायतें
भीलों को कुछ रियायतें देने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो कि उन्होंने खालसा के क्षेत्र में दे दी। लेकिन जागीर के क्षेत्रों में ठिकानेदारों अथवा जागीरदारों ने उन रियायतों को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए। फलस्वरूप खालसा क्षेत्र के भील तो शांत हो गए, लेकिन जागीर जैसे कि झाड़ोल, मांदड़ी, कोलियारी आदि पनावड़ा आदि जागीरों में भील आंदोलन चलता रहा। भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत को झाड़ोल के ठिकाने के जागीरदार ने गिरफ्तार करवा लिया अगस्त 1921 में, लेकिन भीलों ने इकट्ठे होकर उन्हें छुड़वा लिया। इस तरह आंदोलन अपनी तीव्र गति से चलता रहा और दिसंबर 1921 तक मेवाड़ के क्षेत्रों को क्रॉस करते हुए सिरोही में तथा दक्षिणी राजस्थान से लगते हुए गुजरात के भील क्षेत्रों तथा मध्य भारत के भील क्षेत्रों में फैल गया। इसी समय राजस्थान सेवा संघ की तरफ से विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ने हस्तक्षेप किया ताकि भीलों का सरकार के साथ समझौता हो सके, लेकिन यह संभव नहीं हुआ और सरकारों ने इस आंदोलन को दमन से कुचल देने की ठानी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भीलों पर सैनिक कार्यवाहियां करना, उनके गांवों को जला देना जैसे कार्यवाहियां प्रारंभ की। 7 मार्च 1922 को, जबकि मोतीलाल तेजावत अपने भील साथियों के साथ निमाड़ा नामक गांव में डेरा डाले हुए थे, आर्मी ने उन्हें घेर लिया और करीब 30 भील मारे गए और बहुत से घायल हुए। ये मारे जाने वाले भीलों की संख्या इससे कहीं अधिक भी बताई जाती है। इस तरह भील क्षेत्र में भी एक हत्याकांड सरकार के द्वारा किया गया, जिसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाने लगी। लेकिन भील आंदोलन फिर भी दमित नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर सिरोही की सरकार ने उन्हें काफी बड़ी संख्या में रियायतें प्रदान की, जिससे वहां के भील और गिरासिये शांत हो गए और मेवाड़ में यह आंदोलन फिर भी चलता रहा, जिसके फलस्वरूप मेवाड़ के महाराणा ने भी उन्हें सहूलियतें प्रदान की, भू राजस्व में 20 से 25% की कमी कर दी, जिसके फलस्वरूप खालसा क्षेत्र के भील अंततः पूर्णतया शांत हो गए और उसी अनुसरण पर खेरवाड़ा तथा कोटड़ा क्षेत्र के जागीरदारों ने भी भीलों को रियायतें प्रदान की और इस तरह से आंदोलन सफल हुआ। भील काफी हद तक अपनी मांगों को मनवाने में सफल हुए, भू राजस्व में कमी कर दी गई, बेगार के संबंध में किस परिस्थिति में बेगार दी जाएगी, किस परिस्थिति में बेगार नहीं दी जाएगी और किस परिस्थिति में पैसा लेकर भीलों से श्रम कराया जाएगा, इसके बारे में नियम तय कर दिए गए। बड़ी संख्या में अवैध लाग बागों को समाप्त कर दिया गया। पीछे के वर्षों में जबकि भीलों ने कर अदायगी नहीं की थी, उनके बकाया को माफ कर दिया गया। इस तरह से अपनी आर्थिक मांगों के संबंध में भीलों ने काफी सहूलियतें न केवल खालसा क्षेत्र में बल्कि जागीरी क्षेत्र में भी प्राप्त की। उन्हें ये अधिकार मिले कि वो अपने नेता यानी अपने सरपंच, जिसे वो गमेती कहते हैं, का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होंगे और उस गमेती के माध्यम से अपने गांव के मामलों को, गांव के
सारे निर्णय किया करेंगे और इन कमेटियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए जागीरदारों के साथ उनके औपचारिक समझौते हो गए। इस तरह अपने जीवन की स्वायत्तता भीलों ने पुनः प्राप्त की। अपनी आर्थिक मांगों के संबंध में उन्होंने काफी सहूलियतें जागीरदारों तथा मेवाड़ के महाराणा से तथा सिरोही और डूंगरपुर के शासकों से प्राप्त की। इस तरह भील आंदोलन मेवाड़ की ही अन्य रियासतों में चलने वाले किसान आंदोलनों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से और अधिक मात्रा में सफल सिद्ध हुआ। लेकिन मोतीलाल तेजावत ने जो भीलों का नेतृत्व किया था उसे सरकार सहन करने के लिए तैयार नहीं थी और मोतीलाल तेजावत को सजा देना चाहती थी। इसलिए मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। काफी समय तक भील उन्हें बचाते रहे लेकिन अंततः 1929 ईस्वी में इडर राज्य में वे गिरफ्तार कर लिए गए और मेवाड़ की सरकार को सौंप दिए गए। मेवाड़ की सरकार ने उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया और उन्हें 10 साल की सजा दी। लेकिन 1936 में उन्हें इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो अपनी गतिविधियों से मेवाड़ की जनता में मेवाड़ के राज्य के प्रति असंतोष नहीं फैलाएंगे। इससे पूर्व मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ की सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि वो मेवाड़ की जनता में जो असंतोष मेवाड़ के राज्य में फैला रहे हैं उससे तौबा कर लें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन मोतीलाल तेजावत ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे जनता को भड़काने का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप मुकदमा चलाकर उन्हें 10 वर्ष की सजा दी गई और अंततः कुछ प्रतिबंधों के साथ 1936 में रिहा कर दिया गया। इस तरह दक्षिणी राजस्थान में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला भील आंदोलन सफल हुआ। जैसा कि हमने देखा यह है अपने समानांतर चलने वाले किसान आंदोलनों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से और अधिक मात्रा में सफल हुआ था। इसके कारण यही थे कि भील सैनिक दृष्टि से ब्रिटिश राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हमने भील मेवाड़ भील कोर के संदर्भ में देखा वो धर्म परिवर्तन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हम ईसाई मिशनरियों की यहाँ गतिविधियों के संदर्भ में देखते हैं। इसलिए भीलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत शीघ्र और बड़े पैमाने पर हुआ जिसके फलस्वरूप मेवाड़ सिरोही और डूंगरपुर की रियासतों ने उन्हें रियायतें बहुत जल्दी प्रदान कर दी अथवा उनके कष्टों का निवारण बहुत जल्दी कर दिया। इस आंदोलन के संदर्भ में जो कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला यह भी गौरतलब है कि इन्होंने भीलों का नेतृत्व करते हुए स्वयं को महात्मा गांधी का शिष्य बताया। लेकिन क्योंकि भील आंदोलन का यह नेतृत्व कर रहे थे और भीलों के को सामान्यतया हिंसक माना जाता है इसलिए जब गांधी को इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने मोतीलाल तेजावत की बात का खंडन किया। लेकिन जब गांधी को उसके उचित परिप्रेक्ष्य का पता लगा और यह पता लगा कि हिंसक कार्यवाहियां करना इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं है तब उन्होंने इस आंदोलन के लिए अपना आशीर्वाद दिया अथवा शुभकामनाएं प्रेषित की। इस तरह से मोतीलाल तेजावत ने गांधी का सानिध्य प्राप्त करने में अथवा उनके शुभकामनाएं प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यद्यपि उनका जीवन कठिनाइयों से पूर्ण रहा और राज्य के द्वारा उन्हें परेशान किया गया उन गतिविधियों के लिए जिन्हें वह राजद्रोहात्मक मानता था क्योंकि
उसकी अपनी जनता उसके विरुद्ध अपनी कुछ शिकायतों के निवारण के लिए आंदोलन कर रही थी, जिन्हें वह राज्य विरोध समझती थी। यद्यपि यह जायज शिकायतें थीं जिनका निवारण करना राज्य का कर्तव्य बनता था, लेकिन भीलों के काफी आंदोलन करने के उपरांत वे इन सहूलियतों को प्राप्त करने में सफल हुए जो उन्हें स्वतः ही प्राप्त होनी चाहिए थी। धन्यवाद।